तुम मुझे इस होटल से निकलवाना चाहते हो क्या? हैं? तुम मुझे इस होटल से निकलवा के छोड़ोगे? जरा ऐसा बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। तुम मुझे इस होटल से निकलवा दोगे? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने कल मैनेजर को इतना परेशान क्यों किया? वो आपको गाली दे रहा था। वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें मैनेजर से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो तो आपको गाली दे रहा था। हर बड़े आदमी की तरह मुझे गाली सुनने की आदत पड़ चुकी है। मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम टीवी देखो। वो क्या होता है? अरे टीवी क्या होता है तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये टीवी है, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। इसमें क्या रखते हैं? अबे इसमें कुछ रखते भगते नहीं है। तुम स्विच देख रहे हो ना? हाँ। ये दबाओगे तो टीवी चलने लगेगा। अरे वाह, ये कमरे में कहाँ कहाँ जाएगा चल के? ओफो, क्या मुसीबत है। मैं नहाने जा रहा हूँ, अगर उबने लगो तो ये स्विच दबा देना, तुम्हें पता चल जाएगा टीवी कैसे चलता है। बस इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे कि तू लक्ष्मण रेखा पार करे और मैं तेरा हरण कर लूं। स्वामी। स्वामी कहाँ है स्वामी? लक्ष्मण भैया। देखिए बहन जी, आप यहीं कहीं ढूंढिए, यहीं कहीं आसपास होंगे लक्ष्मण भैया आपके। अब तुझे रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। क्या? हे ईश्वर, मैंने पारी क्यों की लक्ष्मण की रेखा? अभी आप देख रहे थे वेद प्रकाश द्वारा निर्देशित नाटक लक्ष्मण की रेखा, और अब प्रस्तुत है एक रिपोर्ट जिसका विषय है गरीबी की रेखा। क्या? कुछ नहीं। स्वतंत्रता के बाद से ये रेखा काफी नीचे आ चुकी है, परंतु फिर भी करोड़ों गरीब अभी भी इसके नीचे हैं। पिछले 10 वर्ष के आंकड़ों पर निर्धारित ये रिपोर्ट अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोफेसर आंकड़ा प्रसाद। पावर्टी लाइन यानी गरीबी की रेखा आय के उस स्तर को दर्शाती है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार बड़ी ही कठिनाई से अपना भरण पोषण कर सकता है। आंकड़ा प्रसाद जी, जरा डिटेल में समझाइएगा। अरे इसमें इतना खेद करने की क्या बात है? मत समझाइए, मैं किसी और से पूछ लूंगा। पिछले 10 वर्षों के आंकड़े ये बताते हैं कि सन 1979-80 में पर कैपिटा इनकम 1312 रुपए थी, जो बढ़कर 1989-90 में 3026 रुपए हो गई। इससे ये प्रमाणित होता है कि गरीबी की रेखा निश्चित रूप से नीचे आई है, लेकिन अभी इसे और नीचे आना है। नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर ये और नीचे नहीं आई तो? अच्छा भाई, मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। मेरे आंकड़ों के मुताबिक ये रेखा 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और नीचे आ जानी चाहिए, नहीं तो हमारे देश की माली हालत बहुत बिगड़ जाएगी। अरे इतनी खतरनाक रेखा, ये है क्या भला? अरे यार क्यों मेरे पीछे पड़ गया? ये तो किसी भी भूखे नंगे से पूछ, वो तुझे बता देगा। किसी भी भूखे नंगे से पूछ लो? अरे मैं और राइटर साहब सुबह से भूखे तो हैं ही। और अरे वाह, राइटर साहब तो इस वक्त नंगे भी हैं, उन्हीं से पूछता हूं। सर जरा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए सर। क्यों क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं, रेखा की गरीबी के बारे में आप क्या जानते हैं सर? चल मुझे बाहर आने दे, मैं तेरी खबर लेता हूं। दरवाजा पीट पीट कर मुझे परेशान कर दिया। चुपचाप जाकर मैनेजर से माफी मांग, समझे? ठीक है सर। और सुन जी, जरा नरमी से, अच्छा वेरी वेरी पोलाइटली। जा। आपको हिंदी आती है? हाँ। Have you ever seen poverty line? Poverty line? Yes. अपने बंगले और कार से तो मुझे कभी दिखा नहीं, पर हाँ जब मैं बर्ड वॉचिंग के लिए अपने टेरेस पे जाती हूँ तो वहाँ से अक्सर मुझे दिख जाता है। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा, रेखा ओ रेखा। ये सर, तुमने रेखा को कहाँ देखा? मैंने तो ऊपर से देखा तो मुझे गरीबी दिखाई दी, लेकिन रेखा नहीं दिखाई दी। कौन सी रेखा सर? वही गरीबों की रेखा। अरे सर, गरीबों की कहिए या अमीरों की, रेखा तो बस रेखा है। मगर सर आप जा कहाँ रहे थे? मैं तो आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। तू ऐसा कर, हाँ? नाश्ता मुझे दे दो, नहीं हाँ? तो राइटर साहब सारा खा जाएंगे ना। हाँ सर। तुम बिल ले आओ। अच्छा सर, बिल। हाँ, आलू अच्छे हैं। बिल। ए दोस्त, यस सर, यस सर, सॉरी। देखो, मुझे
मुझे जरा मैनेजर साहब से कुछ काम है। तुम ये ट्रे जो है मतलब मेरा नाश्ता रेस्टोरेंट में 11 नंबर टेबल पे लगा देना, बाबा मक्खियां का कम है। यस। ए यार किसी को खाने मत देना, तुम भी मत खाना और मक्खियों को मत खाने देना। यस सर। अरे यार तुम बात बात पे सैल्यूट क्यों करते हो? मजबूरी है सर, भले ही कस्टमर आप जैसा फर्नीचर ही क्यों ना हो। कम इन। सर ये नाश्ते के बिल पर साइन कर दीजिए जरा। ये होटल है या भटियार खाना? नो सर, ये होटल है। नाश्ता दिया नहीं और बिल लेकर चले? सर नाश्ता तो फटीचर साहब लेकर भाग गए। फटीचर भाग गया? यस सर। यानी कि होटल के बाहर? ऑब्वियसली सर। और तुमने भाग चले दिया? यस सर। लेकिन क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब का कहना है कि हमें आंख मिचौनी खेलने के लिए तनख्वाह नहीं मिलती सर। मैनेजर की बच्ची से मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए अजीत साहब, आपने और आपके उस व्हाटएवर हिज नेम इज फटीचर हमारे पूरे स्टाफ के नाक में दम कर रखा है। आप मेहरबानी करके कमरा खाली कर दीजिए। क्या हुआ सर? मैनेजर का बच्चा कह रहा है कि कमरा खाली करो। सामान पैक करूं सर? शट अप, मैं कमरा खाली करने वाला नहीं हूं। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? और मैं मालिक से बात करूंगा। सर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? क्या वक्त हो? नहीं मेरा मतलब है कि आप फटीचर साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसकी जिंदगी काले करने के लिए ये दो रिम कागज खरीदे, अपना दिमाग खर्च किया है और वो किरदार भाग गया और बाकी बचे तो ये कागज और 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 उल्लू का पट्टा। मैं जो पॉल के पैसों से मुफ्त की रोटियां दौड़ रहा है। सर आप एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? सर मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा, मैं पागल हो रहा हूं। पागल? सर बाल मत नोचिए सर, आपके सर पर बाल वैसे ही बहुत कम है। अरे बावर्ची के साले, तू जाकर बावर्ची खाने में देख, वो बावर्ची के साथ बैठकर नाश्ता तो नहीं कर रहा। देखिए साहब, अगर ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन आपके होटल में हो गया तो आपके होटल की रेपुटेशन में 4 चांद लग जाएंगे। आई एम गिविंग यू द गारंटी। दैट्स ऑल राइट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैनेजर साहब से बड़ी जरूरी बात करनी है। मैनेजर साहब, मैं कल की गलती के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। देखो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू सर। अब तुम जाओ यहाँ से, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ओके सर। तो मैं आपसे कह रहा था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स। तो मिस्टर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि रेट्स जो हैं उसके बारे में मैं कुछ तय नहीं कर सकता, तो रेट्स के बारे में आप नेगोशिएट करने की कोशिश ही मत। एक्सक्यूज मी, हु इज ही? आई एम फटीचर, हाउ आर यू? फटीचर, नाइस मीटिंग यू। सेम एज मी। सर एक्चुअली मैं पहले भूल गया था, मैं आपसे बेहद पोलाइटली और बेहद नरमी के साथ माफी मांगना चाहता हूँ सर। देखो मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इनसे बहुत जरूरी काम की बात करनी है। आई सी सर, थैंक यू। नाइस हैविंग यू बैक। देखिए रेट्स के बारे में, मैं रेट्स के बारे में आपके साथ बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में। एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगता है आप अभी तक नाराज हैं सर। मैं नाराज लगता हूँ? हाँ आप किसी से भी पूछ सकते थे। यस यस नो यस। अरे तू जा यहां से मेरे बाप। बाप? आप मुझ पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं सर इनके सामने? आई थिंक ही इज राइट। प्लीज देखो, माफ कर देंगे तब देखूंगा। अच्छा सुनो। सुनूंगा भी तब जब आप माफ कर देंगे मुझे। आप मुझे ये बताइए कि मैं राइटर साहब को अपना क्या फेस दिखाऊंगा? ओफो, आई एम नॉट कंसर्न। मुझे माफ कर दीजिए, टू होम सोएवर इट मे कंसर्न। दरबान फॉर्मेलिटी मत कीजिए सर, चाय बाद में पी लेंगे, पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। यस सर। यू टू ब्रूटस। दरबान इसे बाहर निकालो यहां से। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट प्लीज। सर मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, देश की गिरती हुई माली हालत के बारे में सर। बाहर क्यों नहीं निकालता तुम यहाँ से दरबान? सर वो देश की माली हालत या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। प्लीज लुक एट हिम, ही इज अ पुअर मैन, लुक एट हिज कंडीशन। आर यू ओके? ओके, इट बेल्ट इज आल्सो ओके सर। ऑलराइट, बोलिए। मे आई सिट डाउन सर? प्लीज। थैंक यू सर। यू कैन ऑल्सो आंसर। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आपसे गरीबी की रेखा के बारे में पूछना चाहते थे सर। रेखा के बारे में? यस सर। गरीबी? यस। तुम ऐसा करो, रूम नंबर 108 में चले जाओ, वहाँ स्वामी 108 श्री श्री महाराज समथिंग समथिंग ठहरे हुए हैं। तुम उनसे जाके मिलो, डिस्कशन करो, वो तुम्हें रेखा के बारे में, गरीबी के बारे में डिटेल में बता देंगे। वेरी लर्न्ड मैन ही इज। थैंक यू सर। डज इट सॉल्व योर प्रॉब्लम? यस सर। ओके, थैंक।
and don't come back here again. No, sir, I'm really grateful to you, sir. It's okay. Thanks. हाँ तो मिस्टर मिस्टर बॉबी वत्स मैं आप साहब आपने मुझे फाइनली माफ तो कर दिया है ना सर ओफ ओ आपकी समस्या का समाधान आपको पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा वैसे आपने दर्शक नाम क्या बताया जी उस गरीब को रेखा कहते हैं अच्छा तो आप हैं गरीबी की रेखा मगर आप रो क्यों रही मैं विधवा हो गई हूँ भैया अरे यानी जनता को पता ही नहीं चला और गरीबी की रेखा बेवा हो गई कहाँ जा रही हैं आप? मैं ऊपर जा रही हूँ। अरे देखिए प्लीज सुनिए प्लीज आप ऊपर मत जाइए जी मैं ऊपर रहती हूँ अरे प्रोफेसर आंकड़ा प्रसाद तो कह रहे थे कि आप नीचे जा रही हैं कौन प्रोफेसर आंकड़ा प्रसाद चलिए आप गोली मारिए प्रोफेसर आंकड़ा प्रसाद को लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक ऊपर मत जाइए मगर क्यों उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो दाने दाने के लिए मोहताज है देखिए आपने मुझे भैया कहा है मेरी प्यारी पहना गरीबी की रेखा प्लीज नीचे चली जा ठीक है और सुनिए आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले ऊपर मत आइएगा नीचे चली जाइएगा बहुत नीचे इस होटल के तहखाने से भी नीचे प्लीज मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे राखी बंधवाने आऊंगा ये क्या मजाक कर रहे हैं आप जानते हैं वो श्रीमती रेखा सब्बरवाल हैं अरे भाई उनके पति उनके लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर भर रहे हैं आप गरीब गरीब क्या खाम खा उनके पीछे भाग रहे हैं यार फटीचर तू इतना है? चलो खैर छोड़ो अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गरीबी की रेखा कहाँ है अरे तो भाई लोग पूछते हैं कि हाथ में रईसी की रेखा कहाँ आप पूछ रहे हैं गरीबी की रेखा कहाँ तबीयत तो ठीक है आपकी अच्छा तो गरीबी की रेखा हाथ में होती है अरे भाई सिर्फ यही दो रेखाएं नहीं बल्कि आदमी के भाग्य की हर रेखा उसके हाथ में होती है कमाल है जस्ट लुक एट दिस मैं कहां कहां नहीं ढूंढता रहा हूं इसको इसका मतलब है कि ये पावर्टी लाइन हर एक गरीब के हाथ में होती है अरे भाई गरीब के हाथ में तो होती है गरीबी की रेखा अच्छा बताइए कहां है मेरे हाथ में गरीबी की रेखा Congratulations. मिल गई अरे हो गई तो मिलेगी ना है ही नहीं तो मुबारकबाद की क्या बात है अरे तुम्हारे हाथ में बहुत गहरी धन प्राप्ति की रेखा है तुम तो करोड़पति आदमी बनने वाले हो राहु केतु और शनि मंगल के खेल के बारे में आप पैसे वालों को बताइएगा गरीबी की रेखा के खेल के बारे में तो हम गरीबों को ही कुछ करना पड़ेगा तो भाइयों और बहनों अब समाजवाद प्रजातंत्र और धर्म निरपेक्षता हो चुके हैं मैं आपके लिए आज के जमाने की मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट और सुपर हिट चीज लेके आया हूँ वो है गरीबी की रेखा अच्छा गरीबी की रेखा आप लेकर आए हाँ इसे मैं ही लेके आया हूँ और मैं ही लेके जाऊंगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अर्थात अर्थात इस देश के सारे गरीब मालामाल हो जाएंगे मालामाल हो जाएंगे हाँ हर गरीब अपने ही बंगले में सोफे पे बैठ के ऑरेंज जूस पिया करेंगे हर गरीब ऑरेंज जूस पिएगा कम से कम अब तो ड्रेस बदल लो अब तो गरीबी की रेखा से हम लोग बहुत ऊपर उड़ गए हैं अरे भले मैं दुनिया से ऊपर क्यों ना उड़ जाऊं लेकिन मैं ये ड्रेस कभी नहीं बदलूंगा वो बात अलग है कि अब इस तरह की मेरे पास 20 ड्रेसेस हो गई हैं। Stop it, comrade! Why, comrade? Hey! अरे ये मसाज से हैंगओवर नहीं जाने वाला है ला। I suggest you have one orange juice. It doesn't contain BVU. No, I like BVU. Then I suppose you should have Bloody Mary. मुझे कॉकटेल नहीं चाहिए। I want meat. Then I suppose you should have Widow Mary. Why? Because she will remind you of Chachi. Don't cry. जा जा के एक बिटो मेरी लेके आ. Okay, comrade. Hello, everybody. Hi, sweetheart. अरे वाह. आज तो बिल्कुल तोप लग रही है. Thank you, Phati. Uncle, एक problem है.
स्वीडन से फोन आया है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 करोड़ पतंगे और चाहिए विद इन अ वीक। अरे लेकिन इतनी पतंगों का वो करेंगे क्या? अंकल चाचा, काइट इज द सिंबल ऑफ पीस। पतंगी तो मांगी है उन्होंने, हो सकता है पतंग की वजह से दुनिया के दिल में अमन का जज्बा पैदा हो जाए। एक भरी पतंग हूँ मेरी जिंदगी, अब फटी चार मिल गया बेटा, आजा आजा आजा। अंकल चाचा, तुम फिर से पावर्टी लाइन के नीचे आ गए। अंकल पावर्टी लाइन, अबे पागल हो गया क्या तू? तो पहले एपिसोड से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे का सिर से सींग। वो मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, लो पहले ये नाश्ता करो, लो तुम भी खाओ और थोड़ी से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाओ। अबे किससे ऊपर उठ जाओ? गरीबी की रेखा से तू है वैसे बहुत बेशरम। अबे कुछ जरूरी है कि जो खाना खिला वो गाली भी दे? शट अप यू ब्लडी बिलो पॉवर्टी लाइन। कमबख्त पिछले 45 बरस से पड़ा सड़ रहा है पॉवर्टी लाइन के नीचे। अच्छा, ये तो हमें भी नहीं पता था। यही तो कमाल है गट्टू, जो सचमुच गरीबी की रेखा के नीचे है उन्हीं को तो ये बात मालूम नहीं है। अच्छा, ये गरीबी की रेखा होती कहाँ है? गरीबी की रेखा हर झोंपड़े के ऊपर से और हर बड़ी इमारत के नीचे से निकलती है। जैसे इस होटल के नीचे से निकली और हमारी झोपड़ी के ऊपर से चली गई और मेरे पाइप में घुस गई। समझ में तो अभी भी नहीं आया, पर इसका इलाज क्या है? इलाज पूछो। पूछता आपके पास गरीबी का इलाज है? नहीं। आपके पास है गरीबी का इलाज? नहीं। ऐ माइथोलॉजी अंकल, आपके पास है गरीबी का इलाज? नहीं। यहां पे कोई है जिसके पास गरीबी का इलाज हो? कोई माई खलाल जो गरीबी की रेखा को नीचे ला सके? नहीं माला। उन लोगों के पास गरीबी का कोई इलाज नहीं है माला, जो लोग हमेशा इसके बारे में परेशान दिखते हैं और हिसाब लगा लगा कर हमें बताते हैं कि तुम और कितने गरीब हो गए। वो टीवी वाले आंकड़ा प्रसाद ने कहा था, भूखे नंगे ये इसका असली मतलब समझते हैं। और वो जोची वो भी गलती से एक बात ठीक कह गया था, गरीबी की रेखा गरीब के हाथ में होती है। हाँ, धीरे धीरे समझ में आ रहा है मतलब। सिर्फ हम सबको एक होना है, एक जुट। एक जुट तो है ही हम लोग। चुप, मैं तुझ जैसे प्योड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो मेहनत कश लोगों की बात कर रहा था ना। योर अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो इनाम रखा था वो बेस्ट फैंसी ड्रेस और बेस्ट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए टेबल नंबर 11 को जा रहा है। चलिए साहब, 1001 रुपए का चेक आपके लिए। मगर हमने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं किया, ये कपड़े तो हमारी मजबूरियां हैं। आपको कैसे लगा कि
ये इनके कपड़े और मेरे कपड़े फैंसी हैं। कमाल है, आप बड़े लोग हमें गरीबी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने खेल के लिए गरीबी का इनाम भी देते हैं।